बेगूसराय जिला के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब आवासीय विद्यालय के बच्चों को स्वच्छता और पौधारोपण के प्रति जागरूक करने के लिए साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय के हम सभी मित्र दिनांक 20 जनवरी 2019 को आज हम लोग यहां पहुंच के पहले स्वच्छता का कार्यक्रम बच्चों के अगुवाई में हम लोग भी सहयोग कर किए। अब बच्चों को एक पौधा लगाने का और यूं कहिए कि पौधा कैसे जीवित रहे गर्मियों में भी, अगर सिंचाई की व्यवस्था कमजोर भी हो तो भी पौधा मरे नहीं, वो जीवित रहे, इन बच्चों को इसीलिए जानकारी दे रहे हैं कि यही बच्चे कल बड़े होके अपने गांव मोहल्ला टोला और सार्वजनिक जगह पे पौधारोपण कर अपने देश को हरित बनाएंगे, साथ ही अपने देश को स्वच्छ रखने के लिए अपने हाथों से जैसे इन लोगों ने आज सफाई किया आगे भी करते रहेंगे। मित्रों, आप तो जानते ही होंगे कि पौधा ही पेड़ बन करके हम सब जीवों को ऑक्सीजन भी देता है, पक्षियों को घोंसला फल भी देता है और छाया भी देता है। बारिश बहुत सारे इलाके में इसीलिए नहीं होती है कि वहां के पुराने वृक्ष काट दिए गए और पौधारोपण के प्रति आम लोग जागृत नहीं है। साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय के हम सभी मित्र लगातार 10 अगस्त 2014 से ही लोगों को स्वच्छता, सुंदरता, हरियाली और खुशहाली के लिए जागृत करने के लिए व्यवहारिक रूप से अपने अपने पॉकेट मनी से लगातार कभी स्वच्छता, सुंदरता, हरियाली और खुशहाली के लिए स्टेशन पे तो कभी जीरी कॉलेज, कभी तेलिया पोखर, तो कभी कोऑपरेटिव कॉलेज, कभी आयुर्वेद कॉलेज, तो कभी केसावे विद्यालय, सैकड़ों जगह पे साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय के हम सभी मित्र अपने अपने पॉकेट मनी से पौधारोपण करते हैं। पॉलीथीन के बदले लोगों को अपने घर के पुराने और एवं नए कपड़े से थैला बनवा के गिफ्ट देते हैं और लोगों से निवेदन करते हैं, उनको जानकारी देते हैं कि पॉलीथीन का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिए, वो दुश्मन है, AK-47 की गोली से भी ज्यादा खतरनाक है ये पॉलीथीन। ये जब जलता है तो जो सिगरेट नहीं पीते हैं, जो गांजा नहीं पीते हैं, जो शराब नहीं पीते हैं, उनको भी कैंसर होता है। लोग आश्चर्य करते हैं कि भाई ये तो कोई नशा नहीं करता था, इनको कैंसर कैसे हो गया, ये तो निरोग आदमी थे, सुबह से शाम तक समुचित आहार लेते थे, व्यायाम करते थे, फिर इनको कैंसर कैसे हो गया। उसका कारण है पॉलीथीन और प्लास्टिक। प्लास्टिक पॉलीथीन जो आप लोग जलाते हैं या यूज करते हैं वो कैंसरस है, उसका जो धुआं है वो कैंसर नामक बीमारी पैदा करता है। तो आप लोगों से निवेदन हम करते हैं कि आप लोग बच्चे अपने गार्जियन को भी, अपने इलाका में भी और खास करके सीनियर बॉयज की लोगों को जागृत कीजिए कि जहां भी पौधा हो उसकी सिंचाई कीजिए। अब आपको एक नई जानकारी देंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार हम लोग इस नए तरीके को प्रसारित प्रचारित करते रहते हैं। ये एक आम मटका है, कोई घैला बोलते हैं, कोई घड़ा बोलते हैं, कोई मटका बोलते हैं, हम लोगों ने अपने हाथों से इस पे मिट्टी की लिपाई करके एक उदाहरण के लिए आप लोगों के समक्ष ये लाए हैं। आप देखते होंगे कि कोई भी मिट्टी के बर्तन में जब हम निपाई करके और उसमें पानी डालते हैं, सॉरी बाहर गिर गया, तो ये धीरे धीरे आप देखेंगे कुछ देर के बाद कि इसमें नमी आ जाती है और अंदर का पानी इसके बाहरी परत पे आ जाता है। ठीक इसी प्रकार ये पौधों को नमी देता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि लोगों में जागृति के लिए पौधा के साथ कहीं कहीं पे हम लोग ऐसे घड़ा लगा देते हैं। उसके बगल में अब ये पौधा का जो जड़ है, ये जो जड़ है अभिषेक भाई, इसको आप अपने लोग जैसे ही सटा के लगाते हैं तो क्या होता है आयुष जी, इसकी जो नमी है, घड़ा का पानी धीरे धीरे खत्म होगा और इसकी नमी से इसके जड़ में नमी बरकरार रहेगी, जिस कारण से क्या अभिमन्यु जी, जिस कारण से इस पौधे को आराम से नमी मिलते रहता है और ये पौधा जीवित रहता है। तो आप लोग भी कोई ऐसा जगह जहां सिंचाई करना प्रायः संभव नहीं हो तो उस जगह पे आप लोग ऐसे ही पौधा के साथ साथ घड़ा भी लगाइए। और छोटू जी, ये जो ढक्कन है, ये ढक्कन हम लोग इसीलिए डालते हैं कि इसके ऊपर फिर मिट्टी डाल दें और जब बाद में फिर कभी कोई आदमी 10 दिन 15 दिन के बाद आप आएंगे तो देखेंगे विवेक भाई कि ये पानी इसका खत्म है। तो वो पानी कहाँ गया अजीत भाई?
पौधा में गया ना, पौधा में गया तो पौधे को नमी मिल गई, और नमी जैसे ही मिलेगा तो आशीष भैया मरेगा पौधा, कभी नहीं मरेगा। तो आप लोग जितने बच्चे हैं, साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय के द्वारा जो भी बात कही गई है उसको गौर से सुनिए, समझ गए। स्वच्छता के लिए निरंतर काम कीजिए, कचरा को सिर्फ डस्टबिन में डालिए, सड़क पे कोई भी गुटखा बिस्किट भुजिया मिठाई कुछ भी मत गिराइए, फल का छिलका, जहां डस्टबिन मिले कचरा पेटी मिले वहीं पे आप उसको कीजिए। अब इस प्रकार से हम लोग, और इसमें थोड़ा मिट्टी लेकिन गड्ढा आपने कम किया सुमित भैया, अभिषेक भाई, अब कैसे इसमें आप डालो, अब ऊपर से भी सिंचाई कर देंगे, और थोड़ा और एक दो टोकरी मिट्टी लाके इसको पूरा ढक दीजिए, और लाइए पानी का ये अभिषेक जी, अब इसमें मिट्टी डालिए, इसको मिट्टी से पूरा ढक दीजिए, एक दो टोकरी और उधर से मिट्टी लाके इसको पूरा कवर अप कर दीजिए। और अब हम लोगों ने पौधा रोपण कर दिया है और इसकी सिंचाई भी हम लोग कर दिए, तो पहले तो मान लीजिए कि दो तीन दिन तक ये जो हम लोगों ने अभी पानी डाला है अजीत भाई, तो इसकी नमी रहेगी, और उसके बाद जैसे ही उसकी नमी खत्म होगी तो घड़ा के अंदर से जो पानी है वो बाहर उस पौधे को नमी देते रहेगा। और विक्रम भैया, वो पौधा आपका लगाया हुआ, आपका मेहनत, हम सबों का मेहनत विफल नहीं होगा, सफल होगा। थैंक यू। अब हम लोग फिर दूसरा पौधा इसी कैंपस में सभी साइकिल मित्र मिलके और घरे के साथ लगा रहे हैं, लगाया जाए भाई अजीत जी, आयुष जी, सुमित जी, पौधा भी लगाइए उसके बिल्कुल घरा, आशीष भाई यहाँ आइए जरा, पौधे को एकदम पौधे का जड़ एकदम घड़ा में सटका के, और इसमें पानी डाल दिया गया, और अभिषेक जी इसका ढक्कन इसके ऊपर लगा के और फिर मिट्टी डाल देना है, पूरा बढ़िया से मिट्टी डालिए चारों तरफ से। अभिमन्यु जी, तो हम लोग यहाँ आज दो घड़ा लगा के बच्चों को बताए हैं, अब हम लोग एक घड़ा बेगूसराय के वीर कुमार सिंह चौक स्थित जो पार्क है वहाँ भी लगाएंगे, और वहाँ के जो स्थानीय कोई व्यक्ति अगर मिल गए, कोई दुकानदार, कोई यात्री, तो उनको भी दिखाएंगे।